हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20। चैप्टर 20 क्या है? बैटल्स एंड वॉर्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इन 326 BC ए बैटल इन विच अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटिंग किंग पोरस एंड ए टॉट फाइट। तो देखिए, अलेक्जेंडर जो सिकंदर था और राजा पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई का नाम क्या है? तो इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। क्या है? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। तो हाइडेस्पीस हम किसे कहते हैं? झेलम नदी को कहते हैं, ठीक है ना। झेलम नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी और राजा पोरस हार गए थे, लेकिन फिर भी सिकंदर ने इनको क्या किया? इनका साम्राज्य लौटा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ये पकड़े गए, पोरस हार गए, तो अलेक्जेंडर ने पूछा आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए। तो पोरस राजा कहते हैं कि जैसे एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके से आप मेरे साथ व्यवहार करिए। तो इस बात से खुश होकर सिकंदर ने उनके पूरे राज्य को लौटा देता है। सेकेंड नंबर, इन 261 BC द ब्लडी बैटल इन द अशोक डिफीटेड द रूलर ऑफ कलिंगा। अशोक फेल्ट दैट ही वाज कॉज ऑफ मेनी डिस्ट्रक्शन एंड अडॉप्ट बुद्धिज्म। तो देखिए, अशोक की लड़ाई होती है कलिंग के राजा खारवेल से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बहता है, लोग मरते हैं। तो इसके अशोक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। और देखिए, अशोक राजा, ठीक है, सांची का स्तूप जो है वो भी किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। अब देखिए, यहाँ पे जो ये लड़ाई है, इसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा आपका कहाँ पे है? कलिंग हम उड़ीसा को कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, और जो ये बैटल ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हम किसको कहते हैं? आज के टाइम में पटना को कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। थर्ड नंबर, इन 1191 द बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 1191 में हरा देते हैं। तो कौन सी होती है? ये होती है लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। सेकंड नंबर, इन 1526 द बैटल इन विच बॉर्डर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को, सुल्तान ऑफ दिल्ली जो होता है। द बैटल मार्क द एंड ऑफ लोदी डायनेस्टी। और यहाँ पे लोदी डायनेस्टी का अंत होता है और मुगल डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। तो ये कौन सी लड़ाई होती है? ये होती है बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है, किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीतता कौन है? बाबर। और यहीं से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। फाइव नंबर, इन 1576 द बैटल इन विच अकबर फोर्सेस डिफीटेड मेवाड़ किंग महाराणा प्रताप। तो देखिए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होती है 1576 में, और इसे हम किस लड़ाई के नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी। क्या है? बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और जो महाराणा प्रताप होते हैं, उनके घोड़े का नाम होता है चेतक। क्या नाम होता है? चेतक। अगला, सिक्स नंबर, इन 1957 द बैटल इन विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। इट लिड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन यहाँ से शुरू होता है सिरा, ठीक है। तो जो ये लड़ाई होती है, ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उनके बीच में होती है। कब? 1757 में। तो ये कौन सी लड़ाई होती है? ये होती है लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी। क्या होती है? प्लासी की लड़ाई होती है। और प्लासी आपका कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? अभी तो जो प्लासी है, ये आपका बिहार में है। सेवन नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन, प्लासी आपका शायद, हाँ ठीक है। देखिए, प्लासी जो है ना, प्लासी आपका वेस्ट बंगाल में है और जो बक्सर है, ये आपका बिहार में है, ठीक है। ये बिहार में, बैटल ऑफ बक्सर। अब सेवन नंबर क्वेश्चन है, इन 1918 द वॉर ऑफ एलाइड पावर ब्रिटेन एंड इट्स एलाइज डिफीटेड सेंट्रल पावर जर्मनी एंड। देखिए, तो जो पहला विश्व युद्ध होता है, तो ब्रिटेन की तरफ से होता है और जर्मनी की तरफ से होता है। तो ये जो पावर्स होती है, सेंट्रल पावर, ये आपस में लड़ती हैं। और इसके बाद क्या होता है? इट वॉज द फर्स्ट मेजर वॉर दैट एयरप्लेन्स एंड टैंक्स वर यूज। तो ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें एरोप्लेन्स और बहुत सारे टैंक्स यूज़ किए जाते थे। तो ये कौन सी लड़ाई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में था। और क्वेश्चन नंबर एट, इन 1939 to 1945 द वॉर वॉज एलाइड पावर ब्रिटेन फ्रांस रशिया चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट डिफीटेड एक्सिस पावर जर्मनी इटली एंड जापान। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना एक साथ थे, और ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट भी था।
और जो दूसरे थे जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान, इनको हराने के लिए इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये कब हुआ, इसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 9 नंबर, द ईयर ऑफ वॉर इन विच इंडियन फोर्स पुश्ड बैक पाकिस्तानी फोर्स। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई कब हुआ, तो ये हुआ 1965 में। 10, द ईयर ऑफ वॉर इन विच इंडिया फोर्स डिफीटेड पाकिस्तानी फोर्स द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए कब लड़ाई हुई, तो हुई 1971 में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। 11 नंबर क्वेश्चन, इन 1990 to 1991 द वॉर इन विच यूनाइटेड स्टेट एलाइड फोर्स डिफीटेड इराक फोर्स फॉर लिबरेशन ऑफ कुवैत। तो कुवैत को छुड़ाने के लिए जो आपकी लड़ाई हुई, तो ये इराक फोर्सेस ऑफ कुवैत को हटाने, कुवैत को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, लिबरेशन ऑफ कुवैत। तो ये इस लड़ाई को हम क्या कहते हैं, गल्फ वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ वॉर कहते हैं। फिर है 12 नंबर, इन 2003 द वॉर इन विच यूएस एलाइड फोर्स डिफीटेड द इराक फोर्स एंड प्रोपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ सद्दाम हुसैन। तो ये कौन सी लड़ाई थी, ये अब थी इराक, ठीक है। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, बगदाद है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो हमने पढ़ लिया, और यहाँ पे देखिए ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म, तो जो आतंकवाद है इसको लिए क्या है कि यूनाइटेड नेशन, द वर्ल्ड लीडर्स अंडर द यूनाइटेड नेशन हैव पास्ड ए रिवॉल्यूशन टू डिस्ट्रॉय द एविल एलिमेंट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपका अमेरिका में है, और देखिए सबसे बड़ी पावर जो पूरी दुनिया में है वो है आपकी अमेरिका, सबसे शक्तिशाली देश आपकी अमेरिका ही है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि जो भी आपके टेररिज्म है उनको ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया से क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।